स्माल का वासियोनी नगर पालिका सीमा वृद्धि व अवैध कॉलोनियों का नक्शा नगर पालिका अधिकारियों को सौंप सरकार से सीमा वृद्धि करवाने व सभी अवैध कॉलोनियां पास करवाने की मांग की है। पास होने पर 25 अवैध कॉलोनियों में विकास का द्वार खुलेगा। सीमा विस्तार में नेस्ले फैक्ट्री सहित 4 गांव की कुछ भूमि स्माल का पालिका में शामिल होगी। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर की अगुवाई में शहरवासियों ने पालिका सचिव को पालिका सीमा विस्तार व सभी अवैध कॉलोनियों का नक्शा सौंप कर सरकार से पास करवाने के लिए भेजने की मांग की। पालिका सचिव मनीष शर्मा व जे दीपक हुड्डा ने बताया कि जल्द ही सीमा वृद्धि व अवैध कॉलोनियों का केस स्वीकृति के लिए सरकार को भिजवा दिया जाएगा। आरटीआई कार्यकर्ता कॉमरेड पीपी कपूर ने बताया कि पिछले 26 वर्षों से नगर पालिका सीमा वृद्धि न करवाए जाने से अवैध कॉलोनियों के वासी नरक से बदतर हालात में रह रहे हैं। आज हमने नगर पालिका की सेक्रेटरी और जेई को समालखा की लिमिट एक्सटेंशन का जो नक्शा है पूरा और उसके अंदर जितने भी वैध और अवैध कॉलोनियां हैं, चुलकाना रोड पे जो है शास्त्री कॉलोनी है उसमें वहां पर जो है उसको जीए कॉलेज तक लिया गया है उस नक्शे के अंदर, और भद्रनगर कॉलोनी है रेलवे लाइन पार की, और हथवाला रोड के ऊपर म्यूर विहार कॉलोनी है, साथ में जुरासी रोड पर गणेश पार्क कॉलोनी है, ऐसी तमाम कॉलोनियाँ हैं जितनी भी जो हैं करीब कुल मिलाकर ये करीब 20 कॉलोनियाँ हैं। इनके दिशा निर्देश के अनुसार जो सरकार के उसके अनुसार हमने इनको नक्शा बनाकर सौंप दिया गया है, और हमने तमाम लोगों ने यहाँ पर जितनी कॉलोनियों के लोग हैं इन्होंने यहाँ पर आज सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करी है कि इस नक्शे के ऊपर काम करके जल्दी से जल्दी इसको सरकार के पास भिजवाया जाए ताकि ये सभी जो अवैध कॉलोनियाँ ये पास हो सकें, लिमिट एक्सटेंड हो सके समालखा की, क्योंकि 1995 के बाद आज तक 26 साल गुजर गए, किसी एमएलए ने, किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, किसी सीएम ने आज तक इसको लिमिट को बढ़वाने का कोई काम नहीं किया, ना ही इन अवैध कॉलोनियों को पास करवाने का काम किया है। आरोप लगाया कि हल्का विधायक धर्म सिंह छोकर ने अवैध कॉलोनी में बनी अपनी कोठी को तो साइलेंट क्लेव कॉलोनी बताकर पास करवा लिया, लेकिन विधायक ने शहर की किसी और कॉलोनी को पास नहीं करवाया। मालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।